हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राखी टेरिस गार्डन। ये देखिए फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी कि पुदीने को कटिंग से किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर रखा है पुदीना, और एक ये देखिए, ये मैंने पॉट में ग्रो कर रखा है, मिट्टी का पॉट है। और ये देखिए, पूरा का पूरा पॉट भर गया है, और एक मैंने बॉटल में भी ग्रो किया है। देखिए किस तरह से पूरी बॉटल को ये भर रहा है धीरे धीरे। और इस बॉटल में तो अभी मुझे 2 ही हफ्ते हुए हैं और मेरी सारी कटिंग चल गई है। आप देखिए, एक ही यहाँ से नहीं चली थी और एक कटिंग और नहीं चली थी, ये देखिए आप, वरना तो सारी कटिंग ग्रो कर गई हैं। और आपको शायद इसकी रूट्स भी दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि ये बॉटल ट्रांसपेरेंट है तो सारी रूट्स दिख रही हैं। और ये बहुत इजी टू ग्रो होता है पुदीना, आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आप जैसे आपके एक बास्केट में लगा हुआ है उसमें से कटिंग निकाल के लगा सकते हैं, या जो आप मार्केट से ख़रीद के लाते हैं पुदीना, उसकी कटिंग भी आप बहुत अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं अपने ही घर पर। और पूरी गर्मियों में ये इस तरह से फैल जाता है। ये देखिए किस तरह से पूरी बास्केट को इसने कवर कर लिया है, ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आपको कि बॉटल में किस तरह से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने वेस्ट ये बॉटल ले ली है और इसमें ये जगह जगह होल्स कर लिए हैं, और नीचे की तरफ से भी मैंने होल्स किए हैं, क्योंकि नीचे का जो ड्रेनेज है वो हर प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब मैं इसमें सॉइल फिल कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कटिंग किस तरह से लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस बॉटल में होल करने के बाद इसको अपने सॉइल से भर लिया है। और सॉइल मिक्सचर आपको कैसा बनाना है, आपको 30% सैंड लेनी है और 30% वर्मी कंपोस्ट, और 30% ही आपको गार्डन सॉइल लेनी है। तो इन तीनों का रेशो सेम मैं अपने सारे ही प्लांट्स में सेम ही सॉइल की मात्रा रखती हूँ। तो मैंने अपना जो पुदीना है वो भी इसी तरह से ग्रो किया है, मैंने यही मिट्टी मैंने मिक्स की है, ये देखिए आप। और अब आपको क्या करना है, अब आपको इसी पुदीने में से कटिंग्स लेनी है कुछ। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से, आप देखिए, आपको छोटी छोटी कटिंग्स लेनी है, ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ कटिंग्स ले ली हैं, और अब आपको क्या करना है, कटिंग्स के जो नीचे वाला जो नोट वाला जो हिस्सा होता है वहाँ से आपको ये लीव्स हटानी है। ये देखिए आप, और ये जो नोट वाला हिस्सा है इसको आपको, ये देखिए, इस होल में आपको जो नोट वाला हिस्सा है आपको अंदर लगा देना है। ये देखिए आप, इस तरह से आपको ये पूरी बॉटल में सारी कटिंग्स लगानी है, जैसे कि मैंने इसमें लगाई हैं। और ये 2 ही हफ्ते में बहुत अच्छी रूट्स पकड़ लेता है ये पुदीना, घर में बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। अब मैं आपको बताती हूँ इस बोतल को मैंने किस तरह से लगाई है सारी कटिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बॉटल बनके तैयार हो चुकी है और सारी कटिंग लग चुकी हैं, ये देखिए आप। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बॉटल बनके पूरी तैयार हो चुकी है। अब आप इसको शेड में रख दीजिए 3-4 दिन के लिए, उसके बाद आपको इसमें रूट्स दिखने लगेंगी। 2 या 4 दिन में ही ये रूट्स निकाल देता है पुदीना, और बहुत अच्छी तरह ग्रो कर जाएगा, बिल्कुल सेम इस बॉटल की तरह आपकी बॉटल पूरी भर जाएगी, ये देखिए आप। और अभी तो ये जब पूरा बुशी हो जाएगा, क्योंकि समर्स में पुदीना बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है, तो जब इसमें से डबल शूट्स देखिए अब आ रही हैं आप, ये देखिए कितनी शूट्स निकल रही हैं, लीव्स निकल रही हैं जगह जगह से। तो जब ये पूरी बॉटल भर जाएगी, और आप इसको हैंग भी कर सकते हैं बॉटल को, आप देखिए इस तरह से, और बहुत खूबसूरत लगती है पुदीने की बॉटल। और अपने घर में ही उगा हुआ ऑर्गेनिक पुदीना, इसकी आप चटनी बनाइए, नींबू पानी बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और अपने ही हाथ से लगाया हुआ पुदीना तो और मज़ा आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, और प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।